नवगछे के गोपालपुर प्रखंड स्थित तीन टंगा दियारा के झल्लू दास टोला में गंगा का तेज कटाव जारी है। कटरा में कई घर गंगा में समाते नजर आ रहे हैं। एक दर्जन से ज्यादा घर अभी तक गंगा की कटाव में गंगा की गोद में समा चुके हैं। वहीं दर्जन भर परिवार विस्थापित हो चुके हैं। वहीं कई घर कटाव के मुहाने पर खड़े हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में भय व्याप्त है। आज सावन की आखिरी सोमवारी है, जिसको लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा था। देर रात से ही शिव भक्त शहर के मंदिरों और शिवालयों में बाबा की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। साहिबगंज स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर, बूढ़ानाथ मंदिर, गोनू धाम मंदिर, पिपली धाम मंदिर, मनोकामना नाथ मंदिर के अलावा शहर के तमाम शिवालयों में भी भक्तों की लंबी कतार लगी हुई थी और सभी बाबा को जल अर्पण कर पूजा पाठ में लगे हुए थे। वहीं सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे भक्तों को कोई परेशानी न हो। सावन में की आराधना कुछ मिली सोलह से होती है और लास्ट सोमवारी है भोले बाबा का। आज आप किस मंदिर में पूजा करने आए हैं? आज हम लोग बाबा भोलेनाथ मंदिर में पूजा करने आए हैं। बाबा से क्या मांगने आए आप? बाबा से हम मांगते हैं कि हम की संपन्न रहे, बाबा का दया मांगते हैं। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर लाखों शिव भक्तों ने किया पूजा अर्चना। वहीं सुबह से ही शिव भक्तों ने अजगैबीनाथ धाम उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करते हुए बाबा भोलेनाथ के जयकारों एवं बोलबम के नारों के साथ उत्तरवाहिनी गंगा जल लेकर अजगैबीनाथ मंदिर के शिवालय में जल चढ़ाते हुए पूजा अर्चना की। वहीं अजगैबीनाथ मंदिर में शहर व ग्रामीण इलाके सहित बिहार झारखंड सहित अन्य जगहों के शिव भक्त पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। मोहनपुर से नाथनगर मोहनपुर। ऐसा भीड़ है मंदिर में? बहुत सारा भीड़ है। कोई दिक्कत आप लोगों को, परेशानी नहीं? अच्छे से जल चढ़ा दिए। सावन का अंतिम सोमवार है। हाँ, क्या महत्व है आज, क्या बाबा से दरबार में मांगे हैं? मांगे अच्छे से घर द्वार सब रहे, पढ़े लिखे अच्छे से। दुर्गा कुमारी। शिव भक्त कांवरिया की मनोकामना पूर्ण होने पर अपने पुत्र पुत्री को कांवड़ में बैठाकर चले भोलेनाथ का जलाभिषेक करने। बताते चलें कि मुंगेर जिला के खटकपुर टेटिया बंबर के मिल्की गंगटा निवासी दया शंकर सिंह ने बताया कि 10 साल पूर्व अजगैबीनाथ धाम उत्तरवाहिनी गंगा घाट से जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम में पुत्र के लिए मन्नत मांगी थी। बाबा भोलेनाथ ने मेरी मनोकामनाएं पूर्ण की, तो हमने एक पुत्र और एक पुत्री को कांवड़ में बैठाकर बाबा भोलेनाथ बैद्यनाथ धाम पैदल यात्रा कर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे। हम अपने पति को लेकर के जा रहे हैं और हम अपने समझ जाए एक बहन ही है और बेटी है, तीन बच्चे को लेकर के जा रहे हैं, जिसमें मेरी एक बेटी है जो 15 साल की है, एक बेटी है 6 साल की, एक बेटी है 4 साल की। कांवड़ में जो बैठा कर ले जा रहे हैं वो कौन है? दोनों बच्चे? बच्चे वो मेरा बच्चा है। दोनों बच्चे जी? कितने साल के हैं? 4-5 मानिए ना, एगो 5 एगो 4 हैं। क्या नाम? सर्वेक्षा कुमारी, सक्षम कुमार। इस तरह का जो लेके जा रहे हैं, ये तो बाबा का को प्रेरणा है आया मन में या पहली बार जा रहे हैं? इस बार तो हम ये जो डाली है वो बच्चे को ले जाने वाला, वो तो पहली बार है, लेकिन ये श्रद्धा है, विश्वास है कि हम ऐसे ही जाए। हाँ, इस बार भी हमको बहुत कुछ मिला है, इसलिए हम सब परिवार जा रहे हैं। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. अब आपकी मोहल्ले वाली दुकान बन सकती है मोहल्ले वाली बैंक। Easy Cash Point आपको कम खर्च में CSP खोलने का मौका देता है
जिसके जरिए आधार कार्ड द्वारा किसी भी बैंक से पैसे निकालने, जमा करने और मोबाइल, डीटीएच और इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज करके आसानी से 15,000 से 20,000 तक का कमीशन कमा सकते हैं। तो सीएसपी आईडी के लिए आज ही कॉल करें 7726006565 पर और बनिए मोहल्ले का मिनी बैंक।